जस्ट बिफोर वी स्टार्ट विद द ड्यूअल नेचर, सॉरी द वेव नेचर ऑफ द मैटर, थोड़ा फोटोन के बारे में. एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम्स, और थोड़ा बहुत जानकारी भी होनी चाहिए. कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी भी होगी हमें. उसे बोलते हैं फोटोमेट्री. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, वॉट इज फोटोमेट्री? इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एंड इट्स इल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस. दैट इज फोटोमेट्री, स्टडी ऑफ लाइट एंड मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एंड इट्स इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस. तो कुछ डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट इज रेडियंट फ्लक्स. रेडियंट फ्लक्स क्या होता है? इट इज टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ लाइट, रेडिएटेड बाय अ लाइट सोर्स पर यूनिट टाइम, यानी कि एक तरह से पावर की तरह होगी. तो इसकी यूनिट है मेजर्ड इन वॉट्स. तो लाइट में जितनी भी एनर्जी है, हीट भी एज वेल एज उसकी रोशनी वाली हिस्सा भी, दोनों मिला के रेडियंट फ्लक्स कहलाता है. दूसरा ल्यूमिनस फ्लक्स. फाइव से दिखाते हैं इसे, और इसकी यूनिट है ल्यूमन. इसको ल्यूमन से यूनिट होती है इसकी. इसकी डेफिनेशन क्या है? ये सिर्फ लाइट वाला पार्ट, जो रोशनी वाला पार्ट होता है ना लाइट का, एनर्जी वाला पार्ट हटाकर, वो ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है. दिस इज द टोटल लाइट एनर्जी नॉट द हीट पार्ट. ठीक है, एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स, जैसे कि बताया इट इज मेजर्ड इन ल्यूमिन. अगला आता है दैट इज ल्यूमिनस एफिशिएंसी. ऑब्वियसली फाई अपॉन पी होगा. इसको पी से दिखाते, बताया नहीं मैंने, इसे पी से दिखाते हैं. लेट्स राइट ल्यूमिनस एफिशिएंसी. ल्यूमिनस एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द रेडियंट फ्लक्स. रेडियंट फ्लक्स, तो एफिशिएंसी का साइन तो यही है, दैट इज फाई अपॉन पी. और इसे ल्यूमिन पर वॉट से बुलाते भी हैं. अक्सर क्या होता है कि एफिशिएंसीज की यूनिट नहीं होती, पर यहां यूनिट है, तो ध्यान रखें इस बात का. द नेक्स्ट टर्म कम्स इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. आपने ल्यूमिनस फ्लक्स तो देख ही लिया, तो इंटेंसिटी में बस ये फर्क होता है, हमेशा इंटेंसिटी डायरेक्टेड होती है किसी पॉइंट पे. जब भी इंटेंसिटी शब्द सुनोगे कहीं पे भी, वो हमेशा किसी पॉइंट पे डायरेक्टेड होती है. और पॉइंट पे डायरेक्ट करने के अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, क्राइटेरियाज हो सकते हैं. तो अब हम देखने जा रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इसकी डेफिनेशन है, सपोज आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है एंड इट कैन प्रोड्यूस लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन से, इन अ वेरी स्मॉल एरिया, और दैट स्मॉल एरिया सबटेंड्स एन एंगल ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ डी ओमेगा, एंड लेट दिस बी डी एस. तो ध्यान रखें ल्यूमिनस इंटेंसिटी में ये खास बात होती है कि द लाइट
एनर्जी शुड बी एट अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया विच वी आर टेकिंग. ये 90 डिग्री पर होना चाहिए. परपेंडिकुलर लाइन्स शुड कम आउट एंड दीज लाइन्स आर नोन एज नथिंग बट ल्यूमिनस फ्लक्स. द ल्यूमिनस फ्लक्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. लिख लेते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द चोजन सरफेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आगे जब हम अलग केसेस करेंगे तब ये बात काम आएगी यहाँ पे चोजन सरफेस. नाउ हाउ डू वी डिफाइन ल्यूमिनस इंटेंसिटी. हमने आपको पहले कहा था कि किसी पॉइंट पर डायरेक्टेड होता है. तो लेट्स सी हाउ इट इज डिफाइंड. इट इज डिफाइंड एज, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है. ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल, दैट्स इट. दैट मीन्स अगर ल्यूमिनस फ्लक्स, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम एक्चुअली एल से दिखाते हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा. बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया आई शुड बी राइटिंग डी फाई इंस्टेड ऑफ फाई एंड द सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा सो आई शुड डिवाइड बाई डी ओमेगा. दिस इज वेन द लाइट गिव्स इट्स फ्लक्स इन अ वेरी स्मॉल रीजन. लेकिन अगर हमारे पास आइसोट्रोपिक सोर्स होता है, आइसोट्रोपिक सोर्स कैसे होते हैं जो हर जगह बराबर लाइट फेंकते हैं स्फेरिकल रीजन में, है ना, तो उनके लिए हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं. बस ध्यान रखें कि पूरे 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में ये फ्लक्स बाहर निकलता है. तो 4 पाई में फ्लक्स कितना फाई होगा, तो 1 स्टेरेडियन में कितना होगा फाई अपॉन 4 पाई, दैट इज ल्यूमिन अपॉन स्टेरेडियन, है ना. तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है या फॉर्मूला हो जाता है इन केस ऑफ द लाइट इज या यू कही द फ्लक्स इज इन द एंटायर स्फेरिकल रीजन. एंड इसी को हम बोलते हैं कैंडेला, जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में डायमेंशन एनालिसिस. द 7th फंडामेंटल यूनिट कैंडेला भी थी और उसको सी डी से दिखाते हैं. सो फाइनली वी हैव द एल इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन 4 पाई सी डी. तो दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. द नेक्स्ट टर्म कम्स इज इल्यूमिनेंस. सॉरी यहाँ पे एक ही एन है, इल्यूमिनेंस. इट इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स ये क्या था पर यूनिट सॉलिड एंगल और ये क्या है पर यूनिट एरिया. और उसमें भी क्या है द फ्लक्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो वी डिनोटेड बाय आई एंड रिटन एज ल्यूमिनस फ्लक्स फाई अपॉन एरिया. एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि अगर आप स्फेरिकल ले रहे हो. इन केस वैसे मुझे अभी ए लिखना चाहिए, दो केस हो सकते हैं ना, बताऊंगा दो केस कैसे बता रहा हूं मैं. अभी एरिया ही लिख लेते हैं तो इसका यूनिट मिल जाएगा हमको ल्यूमिन, ल्यूमिन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी इनमें रिलेशन निकालते हैं जरा दो में. बिफोर दैट सपोज वी हैव अ बीम ऑफ लाइट. इल्यूमिनेंस की लिख लेता हूँ, इल्यूमिनेंस में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. फॉर अ बीम ऑफ लाइट, फॉर अ बीम ऑफ लाइट, सो वी हैव अ लाइट बीम, ओके, कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड इंसिडेंट ऑन अ सरफेस. सरफेस तो बहुत बड़ा है बट आई चोजन अ सरफेस वेट इंसिडेंसेस एंड प्रोड्यूसेस अ लाइट हियर, अ पैच ऑफ एरिया ए. ओके, सपोज ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है. देन यू डिफाइंड इल्यूमिनेंस एज
फाई अपॉन एरिया, वे दिस विल बी द एरिया, पाई आर स्क्वायर ले सकते हो आप इसको, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एरिया है ना। लेकिन इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये तो बीम हो गई। ऐसे में जो लाइट होगी वो पूरे स्फेरिकल रीजन में अपनी लाइट फेंकेगी है ना, तो ऐसे में जो एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एंड इन दैट केस योर इल्यूमिनेंस विल बिकम ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंस्टेड ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो डिपेंड करता है कितने रीजन को इल्यूमिनेट किया जा रहा है, कितने रीजन को लाइट दी जा रही है कि नहीं। नेक्स्ट कम्स रिलेशन बिटवीन ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इल्यूमिनेंस। लेट चेक फॉर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है एंड इट कैन प्रोड्यूस लाइट इन एंटायर स्फेरिकल रीजन, ओके। और दोनों के लिए हम जरा लिख के देखें कि व्हाट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट इज द एंटायर लाइट फ्लक्स, दैट इज ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन द सॉलिड एंगल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन यूनिट सॉलिड एंगल। और इल्यूमिनेंस की बात करें तो इट इज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि एक स्फीयर पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसका रेडियस आर सपोज नॉट मान लूँ तो इट विल बी 4 पाई आर नॉट स्क्वायर, एंड वी कैन फाइंड आउट दैट फॉर दिस पॉइंट, बिकॉज बोथ आर डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, नोट दैट बोथ डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, फॉर अ पॉइंट। रिलेशन क्या होगा इनके बीच में आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो फाई अपॉन 4 पाई एल दिख रहा है ना, तो आई इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये आ गया रिलेशन। ये सामने सामने किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर एक पूरे स्फेरिकल रीजन में ये इनका बीच में रिलेशन है, कुछ संभावना ऐसी हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट देम, तब रिलेशन क्या निकलेगा। और सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है एंड वी हैव अ स्क्रीन जहाँ पे लाइट गिरती है। सो अगर मैं पॉइंट, एक पी पॉइंट की बात करूं यहाँ पे आर नॉट की दूरी पर, तो आप फिर से देख सकते हैं इस पी पॉइंट का सहारा लेके एक मान लीजिए एक स्फीयर एग्जिस्ट करता है ना। तो पी पॉइंट के लिए दोनों के आंसर सेम आएंगे, लेट अस सी के मतलब बहुत आसानी से आ जाएंगे। जैसे एल तो लिखा जाएगा जो भी फ्लक्स है पूरे रीजन में डिवाइड बाय द सॉलिड एंगल सबटेंडेड विथ आर नॉट एज अ स्फीयर, विथ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर नॉट, एंड आई कैन बी रिटन एज 4 पाई आर नॉट स्क्वायर। हाउ डू वी राइट फॉर अ पॉइंट हेयर, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर है, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। अब ये पॉइंट सपोज आर नॉट आर की दूरी पर है, और हमने आपको पहले बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट लाइट इज फॉलोइंग परपेंडिकुलरली टू द पॉइंट वेर वी आर लुकिंग एट है ना। दोनों ही सूरतों में लाइट को परपेंडिकुलरली शुड बी फॉलोइंग, बट लाइट इज नॉट गोइंग टू फॉल परपेंडिकुलरली एट अ पॉइंट एम। यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं दोनों चीजों को, लेट अस सी। परपेंडिकुलरली गिराने के लिए देखिए ये सरफेस तो एक ऐसा है, मैं इसको कलर करता हूँ ब्लैक ब्लैक से। ये जो सरफेस है लाइट परपेंडिकुलर नहीं है इस पे है ना, लेकिन लाइट परपेंडिकुलर इस सरफेस पे तो है। एक हमने टेढ़ा सरफेस ले लिया, इस पे तो लाइट परपेंडिकुलर है ना, मैं इसको अलग से बनाता हूँ उस टेढ़े सरफेस को। ये तो आर नॉट है ना, यहाँ पे रोक देना चाहिए था मुझे। और यहाँ पे अगर लाइट गिर रही तो आई एम टेकिंग दिस सरफेस, ओके। आई कैन नॉट टेक द स्ट्रेट सरफेस बिकॉज कंडीशन लाइट की परपेंडिकुलरली गिरने पर है। तो अगर मुझे
ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकालनी होगी, देन आई शुड बी सीइंग कि कितना एंगल ये एरिया सबटेंड कर रहा है, लेट दैट एंगल बी डी ओमेगा, ओके। एंड क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, लेट दिस एरिया बी डी एस, एंड एल विल बी डिफाइन एज डी फाई, दैट इज वेरी स्मॉल ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन डी ओमेगा। ये किसके लिए आ गया? एक टेढ़े सर्फेस के लिए, उस पॉइंट के लिए नहीं आया, ये एम पॉइंट के लिए नहीं आया है, हम उसके लिए निकाल लेंगे, वो अलग बात है। और एल्यूमिनेंस कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम जानते हैं एल्यूमिनेंस इज ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइड बाय द एरिया विच इज गेटिंग द एल्यूमिनेंस, ठीक है। तो एल्यूमिनेंस फ्लक्स तो हम जैसे देख ही रहे हैं कि इस रीजन में डी फाई गिर रहा है, डिवाइडेड बाय द एरिया, तो एरिया कितना है? डी एस। तो दोनों चीज़ें हम लिख ली हैं ऐसे। नाउ जैसे कि हमने एक स्लांट सरफेस के लिए, बिकॉज द कंडीशन इज टू बी परपेंडिकुलर ना, बट आई वॉन्ट द इंटेंसिटी, या यू कहिए इल्यूमिनेंस एट दिस पॉइंट। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये आर नॉट है, और हमने इस पोर्शन के लिए हमने इल्यूमिनेंस और एल निकाल लिया है। कितना एल आया था हमारा? डी फाई बाय डी ओमेगा, द एंगल सबटेंडेड, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस डी ओमेगा। एज वी नो द सॉलिड एंगल इज डी एस बाय आर स्क्वायर, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे कि आपका सिंपल एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो वी कैन रिप्लेस, एंड जो जो मैंने एरिया बनाया है छोटा सा ये वाला, इसको हम डी एस से दिखा रहे हैं ना, सो हम सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं एल इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो वी हैव एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी फाई बाय डी एस। और ध्यान रखें ये आई भी होता है ना, ये तो हमने साबित किया था एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर आई, रिलेशन तो अभी भी आ रहा है, बट हमको जो ल्यूमिनस फ्लक्स, एल्यूमिनेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो चाहिए वो इस टेढ़े सरफेस पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए इस सीधे सरफेस पे, यहाँ पे चाहिए हमको ना। तो लाइट आप देख सकते हैं, अगर इस सरफेस की बात करें तो ज़्यादा लाइट गुजरेगी इस रेड सरफेस से, है ना। तो हमें रिलेशन निकालना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा बिटवीन दीज टू एरियाज। सो लेट अस राइट डाउन दी, जैसे यहाँ पे आप ये जो एरिया है वो डी एस है, और इस एरिया को हम डी एस डैश मान लेते हैं, और क्लियरली दिख रहा है कि डी एस डैश बड़ा एरिया है ना। और ये जो एंगल थीटा है, मैं पतले पेन से बना देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, समझिए। ये आपका अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, और फिर ये थीटा हो जाएगा, ओके। सो अगर आप इसको बाहर निकालें, इस ट्राइंगल को ऐसे, ये थीटा है, ये लाइन शो कर रही है डी एस, ठीक है, ये लाइन शो कर रही है डी एस एरिया, और ये लाइन शो कर रही है डी एस डैश एरिया। देन यू कैन सिंपली यूज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस डी एस अपॉन हाइपोटन्यूज डी एस डैश। सो वी हैव डी एस इज इक्वल्स टू डी एस डैश कॉस थीटा, एंड ये रेड पोर्शन जो है यहाँ पे, लेट आई डैश बी द इल्यूमिनेंस ऑन स्क्रीन एट पॉइंट एम, ये पॉइंट एम से दिखाया था ना मैंने, ऑन स्क्रीन एट पॉइंट एम, ये तो बड़े सिंपली आ गया क्योंकि सीधे सीधे आर नॉट है, टेढ़े पे कैसे निकालना है ये बात चल रही है, ठीक है। आई डैश बी द इल्यूमिनेंस ऑन स्क्रीन एट पॉइंट एम, तो अब हम रिप्लेस कर सकते हैं डी एस को। सो एल इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी फाई बाय डी एस डैश कॉस थीटा, ठीक है। वॉट इज डी फाई बाय डी एस डैश कॉस थीटा, दैट इज दी आई डैश, रिप्लेस कर दीजिए डी फाई, सॉरी रिप्लेस ही नहीं किया, यहां कर दो रिप्लेस, कितना है आई डैश अपॉन कॉस थीटा। सो आई डैश इज इक्वल्स टू एल कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो ये रिलेशन आगे कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। नाउ कम्स द लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, और इसके बाद ये चैप्टर, ये पार्ट सेगमेंट खत्म ही हो जाएगा। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ या रूल, दिस रूल गिव्स द इल्यूमिनेंस
ऑफ लाइट ऑन अ स्क्रीन ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स इन एनी डायरेक्शन। कैसे देखते हैं, ये सपोज स्क्रीन है आपकी, ये पॉइंट सोर्स है और ये दूरी जो है वो आर नॉट है। तो यहां पर जो इल्यूमिनेंस आई नॉट मान के चले अगर कितना आया था, एल नॉट सॉरी एल बाय आर नॉट स्क्वायर। और यहां पर अगर हमें निकालना है से आर की दूरी पर, तो हमें एक्चुअली मिलता क्या है, हमें तो परपेंडिकुलर सिस्टम सरफेस पे मिलता है, नॉर्मल इल्यूमिनेंस मिलता है, लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए ना। तो यहाँ पर इल्यूमिनेंस देने के लिए फॉर्मूला दिया है मिस्टर लैम्बार्ट ने, एंड व्हाट इज दैट, आई इज इक्वल्स टू एल बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, वेयर दिस इज द आर डिस्टेंस, एल इज सेम, यहाँ पे भी जो एल है वही एल यहाँ पे भी, पर फॉर नॉर्मल है। सो इसको हम ये बोल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू से दिस इज अ पॉइंट पी, आई पी इज इक्वल्स टू आई नॉट डैश कॉस थीटा, वेयर आई नॉट डैश क्या है, आई नॉट डैश इज द मैक्सिमम नॉर्मल इल्यूमिनेंस, नॉर्मल इल्यूमिनेंस एट पॉइंट पी।